हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं इंटरमीडिएट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचाफ के नियम। किरचाफ ने किसी भी वैद्युत परिपथ को सॉल्व करने के लिए दो नियम बताए थे। पहला नियम इन्होंने बताया, पहले नियम में बताया कि किसी भी परिपथ पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसके बाद इन्होंने दूसरा नियम बताया। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक एक नियम को पढ़ लेते हैं। देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किरचाफ का नियम वाला। इससे आपके ऑप्शन में या तो फिर लॉन्ग में कैसे भी क्वेश्चन, इससे या न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इसको क्या करिए, बहुत कायदे से समझ लीजिए बस। देखिए, किरचाफ ने क्या बताया, मान लो ये कोई आपका परिपथ है, ये आपकी कोई संधि है, ये आपकी आने वाली धारा I1, I2 और I3। यहाँ से जाने वाली धारा हम मान लेते हैं I4 और I5। इन्होंने बताया परिपथ की किसी भी संधि पर, परिपथ की किसी भी संधि पर आने वाली धारा का योग संधि से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। या इसे दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं, वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए, कहने का मतलब यहाँ से लिख देंगे क्या, आने वाली धारा का योग यहां से लिख देंगे, अर्थात पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, अर्थात समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। देखिए, समेशन इसका मतलब होता है सम, यानी जितनी भी धाराएं परिपथ पर आती हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात या बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आने वाली धारा I1 प्लस, और देखिए कौन सी आने वाली धारा है आपकी संधि पर, I2 प्लस, और कौन सी आने वाली है, I3। इनका आपका जो योग होगा वो बराबर होगा संधि से जाने वाली धारा, देखिए आपकी कौन सी है, I4 और I5। या आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं क्या, I1 और प्लस I2 प्लस I3। ये देखिए, इधर प्लस में इधर लेकर आएंगे तो माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं क्या, समेशन I इज इक्वल टू जीरो, यानी परिपथ की किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता। बस इतनी चीज़ आप आँख मूंद कर दो बार पढ़िए, परिपथ की किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात संधि पर आने वाली धारा का योग संधि से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता। अब एक बात बताइए, जितनी धारा आई उतनी ही धारा चली गई, तो क्या चीज़ आपका बच गया, क्या चीज़ नहीं बदलने पा रहा, तो आपका आवेश, आवेश संरक्षित रहता है। इसीलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। याद रख लीजिए, ये चीज़ आपके ऑप्शन में आ सकती है, इसलिए देखिए यहाँ पर नोट की देते हैं, इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा आवेश संरक्षण का नियम किरचाफ का कौन सा नियम व्यक्त करता है, तो किरचाफ का पहला नियम। आपसे पूछ ले प्रथम नियम किरचाफ का बताइए, या फिर संधि का नियम बताइए, या फिर धारा का नियम बताइए, या फिर आवेश संरक्षण का नियम बताइए, तीनों चीज़ें क्या हैं, एक ही है। देखिए, किरचाफ का ये पहला नियम होता है। अगले वीडियो में बताएंगे किरचाफ का दूसरा नियम क्या होता है। थैंक यू एवरीवन।